नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखदेव चौधरी और मैं किशोर सिंह शेखावत। हम दोनों आज फिजिक्स की 32वीं गुरु नीति है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 45 गुरु नीति की अपनी बात हुई थी, जिसमें से अभी 31 गुरु नीति रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आज 32वीं गुरु नीति हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने टॉपिक लिया है हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके अंदर कि इसमें 10 क्वेश्चन मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के डाले हैं और कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन मैंने आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के डाले। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके अंदर एक तो बियो सॉर्स लो और एक एम्पियर सर्क्यूट लो, ये दो लो है। इन पे बेस्ट जो क्वेश्चन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो बात है, वो अपन इसके अंदर, इस गुरु नीति के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। और अपनी जो अगली गुरु नीति होगी उसके अंदर अपन जैसे मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसकी चर्चा करेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद एक अपनी गुरु नीति आएगी जिसके अंदर अपन मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जैसे मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म है, कोइल मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो किशोर सर, करते हैं स्टार्टिंग। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टू बल्ब्स ऑफ पावर 200 वाट एंड 100 वाट हैव रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली फॉर सेम वोल्टेज। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सेम वोल्टेज, ठीक है। तो अब बात ये है कि भाई वोल्टेज है वो अपने को सेम अगर नहीं लिखा जाए तो भी ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, क्योंकि जितनी भी अपने घरों में डिवाइसेज होती है वो सेम वोल्टेज पर ऑपरेट की जाती है। अब डिजाइन वोल्टेज सब सेम होती है, बिल्कुल सारी की सारी, सबकी जो वोल्टेज होती है प्रिंटेड वोल्टेज वो सेम होती है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अपन जानते हैं कि पी कुछ टू क्या होता है भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ से अपन लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या देगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। अब यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है वो तो अपने को कॉन्स्टेंट दे रहे हैं, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो 200 वोल्ट है इसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, R1 दे रखा है, और जो 100 है इसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, R2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास में जो P1 है वो क्या देगा आपके पास, 2 × P2 देगा। तो यहाँ से आपके पास में जो रेजिस्टेंस है वो देगा आपके पास R2 इक्वल टू क्या देगा आपके पास, 2 × R1 हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे R2 है वो R1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में इसका सेकंड ऑप्शन अपन करेक्ट कर देंगे, बिल्कुल। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ पे जो वी होता है वो कांस्टेंट होता है, अपने घरों में जितनी भी डिवाइस होती है, जितने भी अपने डिवाइस होती है इंडिया में, तो अपन जानते हैं मोस्टली 220 एसी का उनका होता है, रिलेटेड इनको अपन रेटेड वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि डिजाइन वैल्यू या फैक्ट्री वैल्यू भी, बिल्कुल आते हैं, तो सब सेम होती है सबके लिए। और जैसे अमेरिका की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे 110 बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीटिंग कॉइल, हीटर कॉइल इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड वन ऑफ देम इज यूज्ड इन द हीटर, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाफ कॉइल टू दैट बाय द ओरिजिनल कॉइल। अब यहां पे अपने को ये देखना है कि भाई पहले अपने पास में जैसे हीटर कॉइल है, उस पर अपन जो वोल्टेज लगा रहे थे, अब इसको अपन ने दो टुकड़ों में काट दिया, तो एक टुकड़े पर भी अपन वोल्टेज है वो तो सेम ही लगा रहे हैं, क्योंकि जो सप्लाई है उसको अपन यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे। तो इसके अंदर अपन ये कर देंगे कि अपन जानते हैं कि पी कुछ तो क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, फिर से वही फॉर्मूला, तो वी तो आपके पास में सेम हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। पहले आपके पास जो कॉइल थी मान के चलेगा उसका रेजिस्टेंस आर था, और अपन सब जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। तो यहाँ पे लेंथ को अगर अपन हाफ कर दिया तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या देगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आर डैश इक्वल टू क्या देगा, आर बाय टू, और रेजिस्टेंस अगर आधा हो गया तो इस स्थिति में जो पावर है वो क्या हो जाएगी, टू टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो पी डैश है, इस पी डैश को अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पर अपन टू पी बोल देंगे, ठीक है ना। पी डैश अपॉन पी, बस बिल्कुल पी डैश अपॉन पी अपने को पूछा जा रहा है, पी डैश अपॉन पी क्या देगा, 2:1, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या देगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कई बार ऐसे बोला जा सकता है कि आपके पास में कोई कॉइल है, इसको आपने दो टुकड़ों में काट दिया, ठीक है ना, तो दोनों का रेजिस्टेंस R/2 देगा, और फिर उसके बाद में इन दोनों को अपन क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो पैरेलल में जोड़ दिया R/4 हो जाएगा, तो पावर 4 times हो जाएगी, पावर 4 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार के नीट में छोटे छोटे आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्या कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन देखिएगा। 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज
across a source of EMF together dissipate 10 volt. If the same resistors are connected in parallel across the same EMF, then power dissipated will be. देखो यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि सेम ईएमएफ, यानी अब की बार भी अपन जो सप्लाई है उसको चेंज नहीं कर रहे, तो सप्लाई अगर चेंज नहीं हो रही तो पी कुछ टू वीस पर वही आर, बिल्कुल मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मूले से बन जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मतलब थ्री इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो मान लो एक रेजिस्टेंस आपके पास आर है और तीनों को अगर आपने सीरीज में जोड़ दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या बन जाएगा, थ्री आर बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन जानते हैं कि पहले जो रेजिस्टेंस है वो आर वन बराबर क्या था आपके पास, थ्री आर था, और फिर उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है R2 बराबर क्या देगा, R by 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो आपके पास है R1 upon R2 है, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3R by R by 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 by 1 हो जाएगा, ठीक है, पावर स्पेंडर से जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो अपन जानते हैं कि P equals to क्या होता है, V square upon R होता है, तो यहाँ से P inversely proportional to R, क्योंकि EMF आपने सेम रखा है, तो resistance का inverse होती है power, तो resistance का ratio कितना देगा 9:1, तो power का ratio कितना देगा आपके पास 1:9 देगा, ठीक है ना, तो power का ratio कितना देगा 1:9 हो जाएगा। तो पहले जो power है वो कितनी थी 10 volt थी, तो अब 10 का 9 times कितना देगा 90 volt हो जाएगा, तो 90 volt R to equal to R by 9 हो गया आपका, तो power इसके 9 times, तो पहले 10 थी तो कितनी 90 अपने 90 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास में P2 upon P1 है वो क्या बन जाएगा आपके पास में, इसको अपन बोल देंगे R1 upon R2, और R1 upon R2 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 9:1, तो यहाँ से आपके पास P2 equals to क्या देगा 9 P1 equals to देगा आपके पास 9 P1 हो जाएगा, तो 9 और P1 कितना देर का आपको 10 देर के, तो ये अपना 90 में आंसर आंसर देगा, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, बिल्कुल। तो तीनों क्वेश्चन सेम ही, हाँ बिल्कुल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। जैसे मतलब एक वो वाला क्वेश्चन आता है कि कोई भी कोयल है, ठीक है ना, वो किसी भी अमाउंट की पानी को जैसे 10 मिनट में गर्म करती है, फिर उसके बाद उसको अपन दो टुकड़ों में काट देते हैं, दोनों टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ देते हैं, एक को काम में लेते हैं एक को खींचते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली यही चीज है कि P equals to क्या होता है, V square by R, हाँ बिल्कुल, रेजिस्टेंस का इफेक्ट अपने को देखना पड़ता है, क्योंकि अपने घरों में जो भी सप्लाई है वो तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। उसमें एक नीट के बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत शानदार सी ट्रिक, हाँ सर बताइए, मैं बताना चाहूंगा। देखो जैसे अगर अपन बात करें कि अपने पूरे फ्रीज में जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो उनको अपन लेते हैं बेसिकली, जैसे एक ट्रिक है सिंपल, केपीसी एलआरटी, अच्छा केपीसी एलआरटी, इसको अपन प्यार से कहते हैं कपिल करोड़पति लालू रावड़ी का पति, बोलो, और तेजस्वी उसका बेटा है, ठीक है, अपन जानते हैं ना, तो ये सारे एक अच्छे खानदान के सारे मेंबर हैं। अब एक खानदान से मतलब कि ये सबका काम एक ही है, सही बात है, इनका सेम एनर्जी से जुड़ेंगे, बिल्कुल। और इसमें एक चीज और अपन जोड़ सकते हैं एक्स यू टी स्क्वायर, तो पूरे ब्रिज का सारा कॉम्बिनेशन वाले सारे सारा इसमें आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो इसमें जैसे के यहां पर है जो वो तो है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, हां बिल्कुल, पी यहां पे पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब हो जाएगी, सी होगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होगी, ठीक है, एल अपन जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं स्वप्रेरित्व, कहते हैं हिंदी में इंडक्टर बोलते हैं, और आर जो जाना पहचाना अपना है रेजिस्टेंस, और टी जो आप भी बात कर रहे थे अभी टाइम की बात कर रहे थे, तुरंत कर सकते हो, बिल्कुल। एक्स जो ये स्प्रिंग का जो अपन कहते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन एक स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है, अच्छा अच्छा, दो स्प्रिंग थी उनको जोड़ दिया सीरीज में पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें आ जाएगा, वो स्टोर्ड एनर्जी का भी पूरा खेल इसी में जाता है, ठीक है, और टाइम पीरियड का भी सारा इसी में, अच्छा अच्छा अच्छा, सारे के सारे इसमें मिक्स हो गए, अच्छा बिल्कुल। अब जैसे बेसिक बच्चे के पास ये तो बहुत अच्छे से पता होता है, रेजिस्टेंस पता होता है, जब अपन सारे जब पढ़े सारे, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बार जो बच्चा श्रेणी समानांतर सुनना शुरू करता है तो पहली बात इसके दिमाग में रेजिस्टेंस की हम लोग पढ़ाते हैं उसको, बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस जाना पहचान हो गया, इसका मतलब आप जानते हैं इसमें कि R जो सीरीज होता है वो सर क्या होता है, R1 plus R2, और R अपन कहते हैं 1 upon parallel, वो हमारे पास कितना 1 upon R1 plus 1 upon R2, बस अब सीक्वेंस पता ही होना चाहिए कि ये सारे के सारे सेम है, बिल्कुल, और ये तीन इसके जस्ट उल्टे हैं, उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये सब आते हैं, आपने बात अभी करी कि मान लो अपने पास एक स्प्रिंग, एक अपने पास हीटर कोइल है, बिल्कुल, और वो हीटर कोइल किसी सेम अमाउंट के वाटर को किसी सेम टेम्परेचर राइज करवाने में मान लो टाइम लगा 3 मिनट लगती है, और मान लो अपने पास वही अमाउंट ऑफ वाटर है उसी टेम्परेचर पे है उसी को अपन राइज करवा रहे हैं, और सेकंड टाइम मान लो अपने पास कोई दूसरे ले लिया मैंने, रेजिस्टेंस अलग था और वो मान लो 6 मिनट ले रही है, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन की सीरीज में कितना है उसे अकॉर्डिंग है T1 प्लस T2। हाँ, सीरीज में 3 प्लस 7 बराबर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 मिनट। और अगर अपन उसको लेते हैं किसमें पैरेलल में, पैरेलल में लेते हैं 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब ये सब उस पे चल रहा है आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी अच्छा कांसेप्ट है, बिल्कुल एकदम ट्रिक है। इससे मतलब अपन बहुत कम टाइम में अपन यहां से एग्जाम में बच्चा क्लिक कर लेता है फटाफट, बिल्कुल तुरंत दिमाग से भी। हां, इस तरह से सोचना नहीं पड़ता, सीधा से बस केपीसी एलआरटी एलआरटी ये इसको आप अपने को ध्यान में रखना है। चलो, और ये भी काफी चीजें इसमें तो टाइम लग जाएगा, बच्चे जानते हैं कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छी बात आपने बताई किशोर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वही बात हो गई सर जो आप बता रहे थे अभी, इसमें आराम से खेल सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इनकी जो रेटेड है वो कितनी है, P1 और P2 है, और दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों को अपन ने पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में जोड़ दिया तो केपीसी बराबर क्या देगा, एलआरटी यानी आर का उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का तो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है, तो बल्ब का उसका उल्टा हो जाएगा, तो सीरीज वाला फार्मूला लग जाएगा इसका। तो ये वाला लग जाएगा इसके अंदर टोटल पी नेट बराबर हो गया ना, हां पैरेलल हो गए, तो पी नेट बराबर क्या देगा आपके पास P1 + P2। अब अगर यही क्वेश्चन अपने को ऐसे बोल दिया जाता है कि दोनों बल्ब को अपन क्या करते हैं सीरीज में जोड़ देते हैं, तो सीरीज में जोड़ते तो फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला लग जाएगा, बिल्कुल। तो 1/P1, हां 1/P = 1/P1 + 1/P2 होता है, तो यहां से P1 P2 / P1 + P2 होता है। तो ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल अपने को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़िया इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन फिर। अपन अब ये भी वही बात हो गई, बल्ब है वो V0 विभव पर P0 शक्ति व्यय करने के लिए बनाया गया, विभव V पर ये P शक्ति व्यय करता है। तब भाई सबसे पहले अपने को ये देखेगा V0 देखेगा P0 देखेगा, तो ये तो इसकी रेटेड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे प्रिंटेड वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज बोल सकते हैं, ये अपने पास है प्रिंटेड पावर या रेटेड पावर देगा। तो यहां से अपन इस बल्ब का रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास R0 = ये देगा आपके पास में, या R बोल दो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बोल दो क्या देगा आपके पास V0 / P0 अपने पास P0 हो जाएगा। भाई इसका सीधा सा मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर इस बल्ब को आपने V0 वोल्टेज पे ऑपरेट कर दिया तो ये P0 पावर प्रोड्यूस करता है। और उसमें अपने को पावर या वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस में सी सब रेटेड वैल्यू होती है, मोस्टली इसमें पावर और वोल्टेज वो लिखी होती है, बिल्कुल किसी डिवाइस पर। तो अपने को तुरंत रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए और रेजिस्टेंस के रूप में बदल करके फिर अप्लाई वोल्टेज कितनी है उस इक्वेशन में मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो बेटर रहता है, बेटर रहता है। हां, तो रेजिस्टेंस और बल्ब अपने पास में आ चुके हैं। अब यहां से अपने को पूछा जा रहा है पी, तो अपन लिख सकते हैं कि कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, तो पी इक्वल टू क्या देगा V² / R, ये आपके पास RB हो गया। और फिर उसके बाद में अगर इसकी अपन RB की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये आपके पास है V² और अपॉन क्या देगा, ये देगा आपके पास V0² / P0 देगा। तो इसको अपन बोलेंगे V/V0² * क्या देगा आपके पास में P0 देगा। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर V की वैल्यू V0 के बराबर हो जाएगी तो P भी P0 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। अगर आप प्रिंटेड वोल्टेज के बराबर इसको पावर अगर आप इसको वोल्टेज अगर आप दे रहे हैं, ठीक बात, तो ये P0 के बराबर पावर प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, ठीक है। अगर अपने वोल्टेज को आधा कर दिया तो जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अपने घरों में 220 वोल्ट आ रही है, तो कोई बल्ब है वो चमक रहा है, फुल चमक रहा है अपनी एकदम जितना इंटेंसली वो चमक सकता है उतना चमक रहा हो। अगर जैसे मान के चलिए पावर है वो कितनी हो जाएगी, आधी होगी, 110 वोल्ट ही आ रही है, तो इस स्थिति में उसकी चमक है वो भी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ से अपन ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास में V² देगा। तो कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि जो वोल्टेज है इसके अंदर 10% की कमी होगी, तो 10% की कमी होगी, नीड टू पूछा है, हां 10% की कमी होगी, तो यहां से वोल्टेज कितना हो जाएगा आपके पास 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 टाइम्स हो गए भी 10% कमी होने का मतलब, तो इसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे ये कितना रहेगा आपके पास 0.81 हो जाएगा। और 1 से 0.81 हो गया, इसका मतलब 19% का 19% की कमी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हुई। अब यहां पे देखो चेंज की अगर अपन बात करें तो छोटे चेंज के लिए अपन जैसे पावर को आगे जंप करवा के वो वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपने को बोला जाए कि 1% की कमी कर दें वोल्टेज में, तो फिर उसके बाद में यहाँ से अपन ऐसे लगा सकते हैं कि Δv इक्वल टू क्या देगा आपके पास है 2 Δv हो जाएगा। तो 2 Δv कितना देगा, अगर अपने को 1% दे रखा है तो यहाँ से कितने की हो जाएगी आपके पास 2% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज है, तो ये चीजें तो अपन हर चैप्टर के अंदर इस प्रकार की परसेंटेज वेरिएशन। आपने एक बात कही सर, जैसे वी अपना ये तो एक तरह से अप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है और ये रेटेड वोल्टेज है,
अगर ये बराबर है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, बिल्कुल, और अगर मान लीजिए ये इससे कम है तो कम से करेगा, अगर बड़े बड़ा कर देंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही कि कोई भी जो बल्ब होता है एक मैक्सिमम वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है, एक मैक्सिमम वोल्टेज है वहीं तक वो विदस्टैंड कर सकता है। पर इसमें एक बात और सर, जैसे अपने बल्ब लिखा होता है 220 वोल्ट, हाँ हाँ, और ये उसका आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है सर, पर वो जो उसकी वोल्टेज बियरिंग कैपेसिटी होती है तो इसकी रूट टू टाइम्स होती है, हाँ, ये भी अपने आप में बच्चों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका रूट टू टाइम्स अपन करेंगे तो रूट टू इंटू कितना 220 वोल्ट, तो मेरे हिसाब से अप्रोक्स 311.08 के आसपास, हाँ बिल्कुल 311 के आसपास आ जाएगा, यानी वो बल्ब इतना वोल्टेज सहन कर सकता है। बिल्कुल, अपन इसकी मतलब पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये पीक वैल्यू होगी, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी अपने को ये ध्यान रखनी, अब की बार जैसे मतलब एक नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया था सर, उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे अपने यहाँ से जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी उसके अंदर गलती कर दी थी, कि वहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती, जो भी प्रिंटेड वैल्यू होती है भाई, ऐसी की कोई भी प्रिंटेड वैल्यू आपको दे दी, जैसे मतलब मैंने बोल दिया कि किसी भी सर्किट में 5 एम्पीयर की अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है उसका, तो उसके लिए वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, ये कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो तो हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो बच्चों ध्यान रखें, कभी भी आपको जो एसी है, एसी सर्किट है, प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर आपको दे रखी होती है तो वो कौन सी होती है, उसको अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू बोल सकते हैं, इसको अपन इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं, वर्ग माध्य मूल मान बोल सकते हैं, या इसको अपन प्रभावी मान भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एसी डीसी में जैसे एक बात और जोड़ दो, आपकी बात आगे बढ़ा दूं, जैसे डीसी में जो वैल्यू दे रखे होते हैं अपने को, वो तो क्या होते हैं आरएमएस वैल्यू के तुल्य होते हैं, बिल्कुल, और एसी में कुछ नहीं लिखा होता, वो आरएमएस वैल्यू ही होते हैं, आरएमएस इतना फर्क है, बिल्कुल सही बात है। बढ़िया, आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं सर। अगला क्वेश्चन ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का है, वैसे एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया ताकि कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी हेल्प मिले इसमें। करंट फ्लोइंग इन अ कॉपर वोल्टामीटर, देखो ये वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टामीटर एक कंटेनर होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करवाते हैं, 3.2 एम्पीयर की करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, तो नंबर ऑफ कॉपर आयंस डिपोजिटेड एट द कैथोड पर मिनट इज, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ से इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी सही नहीं है, ये निमिट हो गया, ह्यूमन एरर सही है, तो एक जो कोफराइन है उसका चार्ज कितना होता है, Cu+2 है, तो Cu+2 कैसे बनता है, अपन जो कॉपर है इसमें से अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो इसमें से अपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, Cu+2 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, वो है, तो एक कॉपर आयन का चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास, प्लस सर एक जरा सी बात, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, प्लस टू लिखा नहीं, हाँ, तो प्लस टू खुला मान लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये रियल में, हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, ठीक है ना, तो 2e एक कॉपर आयन का चार्ज हो गया, बिल्कुल, अब मान के चलिएगा नंबर ऑफ कितने कॉपर आयन कितने एन है, तो 2e × n ये अपने पास टोटल चार्ज आ गया, ठीक है, और अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है आपके पास, I × T होता है भाई, ये तो सबको मालूम होता है, I = क्या होता है Q/T, तो Q बराबर IT हो गया, तो ये अपने पास टोटल चार्ज आ गया और बराबर क्या हो जाएगा I × T, इसको अपन बोलेंगे Q के बराबर बोल देंगे। अब यहाँ से अपने वजह से N की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, तो N बराबर क्या बन जाएगा अपने पास में IT/2 × E, तो I कितना देगा 3.2 देर के, और टाइम देगा अपने को पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड 60 हो गया, और इसके बाद है 2, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, तो यहाँ से 3.2 और ये 1.6 × 2 3.2 कैंसिल आउट देगा, और इसके बाद है 60 × 10⁻¹⁹ ऊपर जाकर के 10⁻¹⁹ बन जाएगा, तो 6 × 10⁻²⁰, तो 6 × 10⁻²⁰, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आंसर क्लियरली आपको लिखा हुआ है Cu+2, ठीक है ना, अब जैसे मान के चलिए आपके पास AgCl का सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर Ag+Cl- बनता है, तो Ag+ होता है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो अगर अपने को Ag आयनों की संख्या ज्ञात करनी है, Ag+ आयन से उनका नंबर अगर अपने को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर फिर अपन 2 ही नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन ई लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसकी मतलब चार्ज, इसका जो चार्ज है एक आयन का चार्ज, वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, वैसे मतलब
आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो तो केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, वैसे यूएसएस के अंदर भी टॉपिक दे रखा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों ध्यान से देखना, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और एक वो क्या बोलते थे उसको अपन जैसे सीबेक इफेक्ट वाला, वो चीजें तो हटा दिए, एनसीईआरटी में नहीं है वो चीजें, तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है ये भी फिजिक्स में नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है ना। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो जरूर पढ़ाए जाते हैं, तो उसकी तो गुरु नीति है वो पहले डिस्कस हो चुकी है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन 10 कैलोरीज पर सेकंड, तो 5 ओम है इसके अंदर कितनी हो जाएगी 10 कैलोरी पर सेकंड हो जाएगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रेजिस्टेंसेस, तो इस पर कितनी आपको दे रखी है, इस पर आपको दे रखा है पी, तो पी बराबर कितना दे रखा अपने को 10 दे रखा है, तो इस पर अपने को जो पी है 4 पर ही पूछा ना, यस सर, इस पर अपने को पी पूछा जा रहा है। अब देखो यहां पे अपन एक चीज देखते हैं कि यहां पे 6 ओम प्लस 4 ओम ये तो 10 ओम बन गया, ऊपर वाली जो ब्रांच है और नीचे वाली ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना 5 ओम है। अब अपन जानते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, अगर पैरेलल में होगी तो इस हिस्से में दोनों पे वोल्टेज बराबर कर देंगे सर अपन, और वोल्टेज अगर बराबर हो गया तो अपन सीधा सा लिख सकते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है R। यस, अब ये वाली जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना देगा, 4 6 10 हो गया, इसका 5 है, इसका रेजिस्टेंस ऊपर वाली ब्रांच का दुगुना हो गया, रेजिस्टेंस अगर दुगुना हो जाएगा तो पावर क्या देगी, आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे इस नीचे वाली ब्रांच में पावर कितनी है 10 किलोरी पर सेकंड है, तो ऊपर वाली में कितनी रहेगी 5 किलोरी पर सेकंड, तो ऊपर वाली इस ब्रांच के अंदर कितनी रहेगी 5 किलोरी पर सेकंड। अब ये तो पूरी ब्रांच की है, अपन इसको आंसर यहाँ पर टिक नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर उसके बाद में अपने को इस पर पावर निकालनी है। अपन इसमें थोड़ा एक इजी देखें सर, जैसे मान लो अभी आपने बात कही ना, मुझे उससे दिमाग में बात बैठी, वो ये 5 ओम है कितना 10 ओम हो गया, अब ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर ये 5 है तो इसका रेजिस्टेंस डबल है, तो करंट इसकी हाफ हो गई, बिल्कुल, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस इसमें अपन करंट को I1 मान ले, बिल्कुल हाँ, इसको I1 मान ले, इसको अपन I2 मान ले, बिल्कुल, तो I1 इक्वल टू कितना 2I2 हो गया, बिल्कुल। अब केवल अपन करंट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें डायरेक्ट अपन उसको हाँ, करंट से भी कर सकते हैं, वोल्टेज से भी कर सकते हैं, पावर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जो करंट होती है वो क्या होती है भाई, अपन जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है I2R होता है, ठीक है ना, तो करंट से भी अपन कर सकते हैं, वोल्टेज P इक्वल टू V2R उससे भी कर सकते हैं, और अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मैं तो इस तरीके से कर रहा हूं कि इसके अंदर दोनों के अंदर ब्रांच में वोल्टेज सेम हो जाएगी, तो इस पूरी ऊपर वाली ब्रांच पे कितना पावर आ जाएगी 5 किलोमीटर से ज्यादा आएगी। अब ये वाला और ये वाला ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ गए, तो अपन जानते हैं सीरीज में करंट सेम होती है, तो करंट अगर सेम होती है तो पी इक्वल टू I2R, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास में आर होता है, यस, तो फिर उसके बाद इन दोनों की रेजिस्टेंस का रेशियो कितना देगा 2:3, तो फिर उसके बाद पावर का रेशियो भी कितना देगा 2:3, 2/5, तो यहाँ पे कितना देगा ये भी आ जाएगा आपके पास 2, और इस पे कितनी पावर आ जाएगी, इस पर पावर आ जाएगी इस प्रकार से 3, बिल्कुल। अब अपने को यहाँ पे 4 ओम पे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर क्या देगा 2 कैलोरी पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी होता है और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी होता है, बिल्कुल, तो ये तो होता है किसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और फिर उसके बाद ये किसमें होता है, ये होता है आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सर अगले इसको बच्चों पूरा करते हैं अपन, जैसे अपनी बात छेड़ देती इसको, हाँ बिल्कुल, तो जैसे अपने पास यहाँ था करंट I2, इसमें कितना था करंट अपने पास I1, तो अगर इसकी पावर को अपन मान ले P1, हाँ इसको अपन मान ले मान लो P2, बिल्कुल, तो P1/P2 हमारे पास कितना आ जाएगा, P1/P2, हमने करंट को ले लिया, करंट हमारे पास ऑलरेडी है, रेजिस्टेंस आपके पास V1 है, बिल्कुल, तो P1 हमने इसको एज्यूम करा सर, बिल्कुल सर, ये क्या हो गया आपका I1² × कितना 4, और ये अपन ले इसको कौन सा I2² × 5 अपने पास P2 ऑलरेडी है, बिल्कुल पुट करते हैं इसका आंसर आपको बिल्कुल आ जाएगा, और I1 को अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर 2I2 लिख के बिल्कुल जाएगा। तो देखो मतलब यहां से एक चीज पता चलती है कि जैसे कोई भी फिजिक्स है, हां ये फिजिक्स की सबसे मतलब ब्यूटी है, ये इसकी सुंदरता है कि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकती है, तो क्वेश्चन है उससे अगर आपको आंसर निकालना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्लास में भी सर कई बार अपन ऐसा फेस करते हैं कि अपन किसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अपन हमेशा उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और कोई बच्चा होता है क्लास में, बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, एक अच्छा बच्चा होता है वो अलग ही तरीके से आंसर निकाल के बोलते हैं कि सर ये वाला तरीका भी सही है यार, फिर अपने भी माइंड में क्लिक करता है कि हाँ यार इसका ये तरीका भी हो सकता है, कई बार बच्चे सिखाते हैं टीचर, बच्चे बिल्कुल बच्चों से सीखता है टीचर, और टीचर स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों के कारण, बिल्कुल बिल्कुल होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है वही एक अच्छा टीचर बनाता है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं।
तो फिर उसके बाद ये भी उस टाइप का सा इक्वेशन है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी अपने को मतलब इसके अंदर भी बंटवारा करना है। तो क्या करें, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइव फॉर्म रजिस्टर डेवलप्स, तो फाइव फॉर्म है वो कितनी भाई, 45। तो ये तो अपने पास कितना देगा, 45 की पावर दे रहा है, ठीक है। तो इसको अपन करंट से भी कर सकते हैं भाई, तरीके अपने पास यहाँ पे आई वन आई टू बोल रखे हैं। तो अपन जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास आई स्क्वायर इनटू आर। तो फी कितना देगा आपके पास 45 इक्वल टू आई, कितना देगा आई वन, तो आई वन स्क्वायर और इनटू रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास में 5 आ गया। yes. तो 45 बाई 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आई वन बराबर कितना देगा 3 एम्पियर। तो ये वाली करंट कितना देगी आपके पास 3 एम्पियर करंट आ गई। अब यहाँ पे ये कितना है 5 है, और ये कितना देगा आपके पास 9 प्लस 6 15 हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस 5 है, इसका 15 है, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना देगा 3 टाइम्स। इसके अंदर करंट है वो कितना देगी 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट अगर कितनी है 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर जो करंट है वो कितना देगी आपके पास 1 एम्पियर आ जाएगी। अब अपने को किसके अंदर पूछा जा रहा है, 12 वोल्ट के अंदर भाई 1 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रही है, 3 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो आई है वो कितना देगा 4 एम्पियर हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है ना भाई, केसीएल तो अपन जानते ही है। yes. किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो यहाँ से कितनी करंट जा रही है 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर आ रही है 4 एम्पियर जा रही है। अब इसके अंदर अपने को पावर निकालना बहुत इजीली, अपनी इसकी पावर निकाल सकते हैं। तो पी पुश टू क्या होता है, आई स्क्वायर इनटू आर, करंट देर की रेजिस्टेंस देर का है। तो आई स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 16, और इनटू आर कितना देगा आपके पास है 12, तो ये कितना देगा आपके पास 192 वोल्ट। तो ये सर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए ये बंटवारा वाले क्वेश्चन आते हैं, बंटवारे वाले और नीड में क्वेश्चन इसमें सा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी एक बात ये ध्यान रखें कि अपन क्या करते हैं, जैसे बच्चों अपन बहुत टफ क्वेश्चन है उनके प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, और वो आपके सिलेक्शन में बाधक बनते हैं हमेशा। क्योंकि नीट का जो पेपर आता है उसके अंदर या तो इजी और या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर अपन उस लेवल की तैयारी करें तो मोर देन सफिशिएंट है, बस उससे ज्यादा। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा स्पेंड बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके काम ही नहीं आता, और डाउट काउंटर में बच्चे वही क्वेश्चंस लेके आते हैं। मैं तो क्लास में भी एक बात बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, भाई इतना कॉमन सेंस तो आप में ही है, आपने 10-11 क्लास पास कर की है, 10-11-12 क्लास आपने पास की है, तो इतना कॉमन सेंस तो आप में है ही। कोई भी क्वेश्चन देखते अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा समझदारी समझता मानता हूँ। बिल्कुल, और इसी प्रकार से पेपर के अंदर भी आप यही काम करें कि पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार इसको तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को कभी भी आप एक बार में अटेम्प्ट नहीं करें, पढ़े नहीं उसको फर्स्ट टाइम पढ़ो, पढ़ो ही मत उसको, और इसके बाद आराम से एकदम स्माइल के साथ उस क्वेश्चन को आप पास कर दो, स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन भी टफ है उसको भी छोड़ दो, उससे अगला टफ है तो उसको भी छोड़ दो। क्योंकि कई बार आपने देखा है क्रिकेट मैच के अंदर अच्छे से अच्छा बैट्समैन है वो भी फर्स्ट ओवर को मेडल निकाल देते हैं, पहली बॉल को प्लेट किया, दूसरी को प्लेट किया, तीसरी बॉल को प्लेट किया, और वो ये काम वही करता है जिससे कॉन्फिडेंस होता है। फिर उसके बाद वही प्लेयर होता है आगे चल करके 100 बनाता है, 200 बनाता है, ठीक है ना। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। यस, और इस स्थिति में अपने को अपना जो विवेक है उसको भी मजबूत रखना होता है, स्ट्रांग होना पड़ता है थोड़ा सा अंदर से। कई बार क्या होता है बच्चों के, जैसे 5 क्वेश्चन कंटिन्यू अगर नहीं है तो बच्चा होश हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ना यार, अब क्या करें, अब तो पेपर तो फिजिक्स का आज खराब हो गया। तो बच्चों टफ अगर पेपर है तो वो सबके लिए टफ है, और किसी भी पेपर में 40 क्वेश्चन तो आसान होते हैं, 5 क्वेश्चन टफ होते हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि वो 40 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाएंगे या 5 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो 40 की तैयारी आपको करनी है, 5 की तैयारी आपको करनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए किशोर सर, देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम टी, टाइम के साथ में इसका रिलेशन अपने को दे रहा है, एंड वी आर पॉजिटिव कांस्टेंट द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज। यस, तो यहां पे अपने को चार्ज है वो उसका रिलेशन दे रखा है, तो यहां से अपन करंट की बात कर सकते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास dQ / dt, तो क्या बन जाएगा dt का a माइनस 2bt, bt स्क्वायर का देगा अपने पास 2bt हो गया। ये तो अपने पास है करंट हो गई। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे करंट डिक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ये आपके पास आई हो गया, ये आपके पास टी हो गया। तो करंट है इस प्रकार से जो डिक्रीज होती है, और थोड़ी देर बाद में करंट है वो जीरो हो जाती है। करंट जीरो कब होती है वो अपन निकाल लेते हैं। yes. तो करंट को अगर अपन यहाँ से जीरो कर देंगे तो ए माइनस 2bt इक्वल टू जीरो, ए बराबर 2bt, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए अपॉन 2bt। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपके पास a अपॉन 2b। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो करंट है वो जीरो हो जाती है। अब जैसे करंट जीरो हो जाएगी पावर का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, तो अपने को t बराबर जीरो से लेके t बराबर a अपॉन 2b तक अपने को पावर कैलकुलेट करनी है। तो अपन जानते हैं कि पावर
तो p इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास dh अपॉन dt, और p बराबर क्या होता है आपके पास i स्क्वायर इनटू r होता है। तो यहां से अपने पास में क्या बन जाएगा dh इक्वल्स टू देगा आपके पास i स्क्वायर r dt इनटू dt, और अगर अपने को h कैलकुलेट करना है तो फिर उसके बाद इसका अपन क्या करेंगे इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसकी लिमिट अपन लगा देंगे 0 से लेके a अपॉन 2b तक, क्योंकि a अपॉन 2b वो टाइम है जब करंट है वो सीज हो जाती है, करंट 0 हो जाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपन i की वैल्यू फुट कर देते हैं, तो i तो अपने पास ये आ चुका है a माइनस 2bt, तो i का अपने को स्क्वायर करना है, तो r को तो अपन एक काम करते हैं पहले ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, और 0 से लेकर के a अपॉन 2b को, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा a अपॉन 2b, ये आपके पास है टाइम की लिमिट सफर लगा दी। तो i का अपन स्क्वायर यहाँ पे करके फुट कर देते हैं, तो a माइनस 2bt इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो a माइनस b का स्क्वायर क्या बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से अपने पास बन जाएगा इक्वल टू, अब ए स्क्वायर इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर t, और t लोअर लिमिट अपने पास में 0 है, तो सीधा अपन टाइम में कर देंगे, तो ए स्क्वायर और इसके बाद टाइम क्या देगा आपके पास a अपॉन 2b, तो इसको अपन बोलेंगे a अपॉन 2, ये आपके पास 2b बन गया, और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4 b स्क्वायर t स्क्वायर, t स्क्वायर का क्या होता है t की पावर 3 बाय 3, तो t क्यूब बाय 3 बन जाएगी, ये आपके पास है t क्यूब बाय 3, और t क्यूब तो इसको अपन क्या बोलेंगे a क्यूब अपॉन 8 b, ये अपने पास है b क्यूब आ गया, और फिर उसके बाद माइनस का 4 ab a b, और t का क्या होता है t स्क्वायर बाय 2 आता है, यस तो यहां से अपन क्या कर देंगे बाय 2 कर देंगे t स्क्वायर, तो a बाय 2 b का स्क्वायर क्या देगा आपके पास है a स्क्वायर 4 अपॉन क्या देगा आपके पास है 4 b स्क्वायर देगा। अब सर अगर अपन इसको देखते हैं ढंग से तो ये अपने पास क्या बन जाएगा a क्यूब अपॉन 2b आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से a क्यूब अपॉन क्या देगा आपके पास है 2b, और प्लस क्या देगा आपके पास है 4 बाई 8, तो ये क्या बन जाएगा बाई 6 बन जाएगा, सिर्फ एक जो आपने सुनतरा सी ये तो अपने पास हो गया हाफ, हाँ बस ये भी हाफ, ये भी हाफ हो गया, ये हाफ से हाफ कैंसिल कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ जाएगा, तो ये आपका बाई 6 आ गया, बाई 6 आ गया, तो a क्यूब अपॉन a क्यूब r अपॉन 6b ये आ जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको अपने पहली बार निकाल दिया से r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो चलो ये भी एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, और अगर आता है तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे न तो आपका सिलेक्शन है वो अफेक्ट होता है और नहीं आपकी जो रैंक है वो अफेक्ट होती है, कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री रेजिस्टेंस ए बी सी इनका रेजिस्टेंस करेगा 3R 6R रेस्पेक्टिवली सेम सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द नेटवर्क द थर्मल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए बी सी इन द रेशियो, तो यहाँ पे अपन कुछ करंट मान लेते हैं, मान लो कि यहाँ से अपने पास में इसके अंदर करंट जा रही है आई 3I मान लो, ठीक है, तो ये 3I करंट इसके अंदर जा रही है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना अपने पास है 3R, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6R है, 6R तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना देगा 1:2, yes. तो यहाँ पे इसके अंदर जो करंट है वो कितने चली जाएगी 2I. इसके अंदर 2I, और यहाँ पे इसके अंदर करंट कितने I आ जाएगी, और वापस इसके अंदर अपने जो करंट है वो कितने बन जाएगी अपने पास है 3I बन जाएगी, ठीक है। अब अपने को पावर का रेशियो निकालना है, करंट पता है तो बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पी ए ई, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास में 2i का स्क्वायर इनटू 3r, तो क्या बन जाएगा 4i स्क्वायर इनटू 3r, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 12 i स्क्वायर इनटू r, और इसी प्रकार से अपने पास में जो pb है तो pb बराबर क्या देगा आपके पास i स्क्वायर इनटू 6r, ये आपके पास हो जाएगा 6i स्क्वायर r, और इसी प्रकार से अपने पास में जो pc है तो pc बराबर क्या देगा i स्क्वायर 3i 3i का स्क्वायर कितना देगा 9, तो इसको अपन बोलेंगे 9i स्क्वायर इनटू r, और फिर उसके बाद pa pb और pc का अपने को रेशियो निकालना है, तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा 4 2 3 बन जाएगा, तो
तो 4-3 आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। yes. इस प्रकार की इक्वेशंस के अंदर बस करंट है उसका अपने को प्रॉपर्ली डिवीजन करना आना चाहिए, करंट को अपने डिवाइड किया और फिर उसके बाद अपन पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इंडिविजुअली आप करंट निकाल करके ही बच्चे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, उसे वोल्टेज में फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल करंट वाले तरीके से ज्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अपने पहला पोर्शन कंप्लीट। हाँ, अपन ने जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसकी अपन ने बातें कर ली, इधर उधर की अपन ने जो थ्योरेटिकल बातें भी की है और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो भी अपन ने डिस्कस किए। चलिए सर अगला क्वेश्चन है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, तो क्या कह रहा है अभी, करंट आई एम्पियर फ्लोज इन सर्कुलर आर्क ऑफ ए वायर, रेडियस आपको आर दे रखी है, एंगल कितना दे रखा है 3π/2 दे रखा है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द सेंट्रीज। तो बी को अपन मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, बी को अपन मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, इसको अपन फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, तीन नाम होते हैं इसके, तीनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। तो यहाँ पे करंट देखो ये तो बहुत ईजी हो गया कि कोई भी जैसे अपने पास कंप्लीट जो लूप होता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी इक्वल टू ये होता है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है 2R होता है। यस, अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये तो 3/4 हो गया। यस, तो इसका अपन क्या कर देंगे 3/4 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास में क्या बन जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 × R आ जाएगा। यस, ये अपने पास इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया सर। तो चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ये अपना क्वेश्चन हो गया और इसकी डायरेक्शन आप निकाल ही सकते हो, राइट हैंड रूल है, ये मेरा राइट हैंड हो गया, ये करंट की डायरेक्शन होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। हालांकि इक्वेशन के अंदर अपने को डायरेक्शन नहीं पूछ रखी है बट फिर भी चलो डायरेक्शन का नॉलेज भी अपने को होना चाहिए, तो अपना आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, टिक कर दो सर। ये लीजिए सर, तो एक तो ये है कि जैसे अपने पास है कंप्लीट लूप है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2R होता है, और जो हाफ लूप है ठीक है ना सेमी सर्कल है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4R। यस, और अगर अपने पास है जैसे 1/4 हो गया तो उसका कितना देगा भाई 8R देगा, ठीक है ना, तो अपन एंगल के हिसाब से इसको अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, सेंटर पर एक्सिस का फॉर्मूला अलग होता है इसका, ठीक है, और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, हाइट दे रखी कितनी भी 4 मीटर दे रखी है फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरी इज करंट ऑफ 100 एम्पीयर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड इज। तो ये तो अपने पास है कोई एक लंबा वायर है और इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम है। yes. तो इसका फॉर्मूला था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ये अपने पास होता है 2π/d, ये तो होता है सर इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, और जो सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसका एक एंड अपने पास में दूसरा एंड इनफाइनाइट पे, तो उसके यहाँ पे बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4π/d होता है, तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू अपने को गिवन है और वैसे अपने को सबको मालूम भी होती है, तो 4π × 10⁻⁷ और फिर उसके बाद आई की बात करें तो आई कितना देगा 100 यानी इसको अपन 10⁻² बोल देंगे और अपॉन ये अपने पास है 2π और इंटू डी कितना नीचे की तरफ पूछ रहेगा अपने को 4 मीटर, तो ये अपने पास अब 4 हो गया, तो फिर उसके बाद में ये 4π से अपन 2π को कैंसिल आउट कर देते हैं 2 times, ठीक है ना, और 2/4 ये नीचे क्या बन जाएगा अपने पास 2 बन जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 10⁻⁵ हो गया ना। yes. तो 10⁻⁵ तो 1/2, तो इसको अपन बोलेंगे 10⁻⁶ कर देंगे तो 5 × 10⁶, तो 0.5 अगर 5 × 10⁶ इसको अपन बोल देंगे टेस्ला। टेस्ला ये अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 5 × 10⁶ ये तो 2 ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो फिर उसके बाद अपने वो डायरेक्शन भी इसके अंदर देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो कर रही है किधर से किधर, पूरा से पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। देखो अपन क्या करेंगे, अभी कोई स्ट्रेट वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड की जो राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन रखते हैं अपन पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, ये मेरा जो अंगूठा है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ कर दूंगा मैं इस प्रकार से यू कर दिया। yes. और फिर उसके बाद में इसके नीचे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नीचे इस प्रकार से यू करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वो किधर की तरफ आ जाएगा, साउथ की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी साउथ की तरफ, तो नॉर्थ ये तो हो जाएगा अपना गलत और साउथ ये अपना हो जाएगा इस प्रकार। बेसिकली जैसे सर अपन जिसको अपन वापस एक बार देखें ऐसे, तो जैसे अपन खड़े हैं ऐसे, तो जो डायरेक्शन का जो सीन होता है बच्चों के लिए दिक्कत आती है उसमें। हाँ सर, तो अपन जैसे मान लो बात करते हैं तो अपना जो नाक है नोज की तरफ एन से नॉर्थ। हाँ बिल्कुल, अब जहाँ आप जिस रूम बैठे हैं हम तो उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन तो पता नहीं कैसे होती है, सही कह रहे हो, पर हमें जो सोचना पड़ेगा वो ऐसा सोचना पड़ेगा हमारे नाक की तरफ नॉर्थ हो गया, पीछे आपका साउथ साउथ हो गया, फिर अपने इस तरफ ईस्ट और ये वेस्ट हो गया,
ये सोच लिया पहले। अब ये सोचने के बाद अपने पास जो वायर रखा है वो कैसे करंट है पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो वायर को अपन ऐसे रख दें। अभी अपने ईस्ट था, ये हो गया आपका वेस्ट। अब ये अगर ईस्ट और वेस्ट करंट तो यू फ्लो हो रही है सर, बिल्कुल सर। अब यू फ्लो हो रही है तो अपने ये तो नॉर्थ, ये साउथ, ये अपना हो गया आपका ईस्ट और ये वेस्ट, इसका अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। अब इस तरह सोचेगा बच्चा, तो पूछा है कि इससे ठीक नीचे अपने मेरी तरफ हो गया मतलब साउथ में, बिल्कुल सर। इस तरह से बच्चा आराम से बिल्कुल क्लिक कर सकता है। तो ये इसके अंदर एक चीज और होती है कि इसके अंदर डायरेक्शन की जब भी बात है तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एन ई एस ये अपने पास है डब्ल्यू, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन देखती है किधर से किधर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से इधर की तरफ होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये करंट इस प्रकार से अंगूठा करंट की डायरेक्शन होना चाहिए, ये थंब हो गया। अब इसके नीचे मतलब उधर की तरफ जाना अपने को, तो इधर के नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ की तरफ हो जाएगा, तो साउथ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की डायरेक्शन वाले भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन तो केवल 3D में एक छोटा सा पार्ट ही है, 3D के जो अच्छे आते हैं क्वेश्चन वहाँ थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन यूजिंग एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सोलेनोइड द लूप एम्पिरियन लूप दैट इज टेकन इज। ये तो डेरिवेशन सब बच्चों ने कर रखा होता है, ठीक है ना। तो सर जैसे सोलेनोइड है उसके अंदर अपन किस प्रकार का एम्पिरियन जो लूप है वो अपन सेलेक्ट करते हैं, हर किसी को मालूम होता है। जैसे ये अपने पास इस प्रकार से सोलेनोइड होगी, ठीक है, और ये इसके इस प्रकार से टर्न्स अपन इस प्रकार से दिखाते हैं। ये बड़ा फेमस डायग्राम है, सब बच्चों ने ये बना रखा होता है। और फिर उसके बाद में अपन जो भी एम्पिरियन लूप लेते हैं वो एम्पिरियन लूप यहाँ से लेकर के इसके पास होता हुआ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर लेते हैं, ये अपने पास इस प्रकार से एम्पिरियन लूप हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये सर्कुलर लूप कोएक्सियल विद द सोलेनोइड, नहीं सर्कुलर नहीं है। रेक्टेंगुलर लूप इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, नहीं एक्सिस के तो पैरेलल ही है, परपेंडिकुलर नहीं है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर लूप इन ए प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड द लूप बीइंग टोटली विद इन द सोलेनोइड, ये भी गलत है, ये बाहर की तरफ भी इसका कुछ पार्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हो गया कि ए रेक्टेंगुलर लूप इन ए प्लेन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड द लूप बीइंग पार्टली इनसाइड द सोलेनोइड एंड पार्टली आउटसाइड द सोलेनोइड, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। इसमें हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। इसमें जैसे एक अपन गॉस लॉ पढ़ते हैं, हाँ, वहां पर लेते हैं गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ पर होता है एम्पिरियन लूप, वो वॉल्यूम को इंक्लोज करता है, ये आपने सिंपल है एरिया पैरामीटर, या आप उसको एरिया कह सकते हो, या मतलब ये 2D हो गया वो 3D हो गया। अब उसमें इनकी कंडीशंस होती है ना, जैसे अपन वहां बात करते हैं तो जो भी अपन लेते हैं गॉसियन सरफेस, तो कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन वहां गॉसियन सरफेस और यहां का एम्पिरियन लूप लेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, जो भी आप सरफेस लेते हैं उसके ठीक 90 पे होना चाहिए या उसके पैरेलल होना चाहिए ताकि अपन इजीली कैलकुलेट कर पाए, बिल्कुल, या हो ही नहीं यानी जीरो हो तो वो क्यों सकता है, यहाँ पे अपन काम लेते हैं। अब मान लो इसको अपन सोच लें ऐसे कि मैंने इसको सर्वोले ले लिया, हाँ, फिर तो कैलकुलेशन नहीं बनेगा, कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद तो आप मैग्नेटिक फील्ड उसको जीरो कर दोगे, यस, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे न तो एंगल है वो जीरो बनेगा यहाँ पे, नई एंगल यहाँ पे 90 बनेगा, और फिर उसके बाद नहीं यहाँ था मैग्नेटिक फील्ड अपने को मालूम है, क्योंकि अपन तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपन एक्चुअली अपन किसी भी जो क्लोज सरफेस है, जो क्लोज लूप है, जो एम्पिरियल लूप है, उसका सिलेक्शन अपन इस प्रकार से करते हैं ताकि अपने को कोई सिमेट्री मिल जाए उसके अंदर, और उसके अंदर अपन इजीली अपना फॉर्मूला अपना कंसेप्ट उसको अप्लाई कर सकें। और ये इसकी लिमिटेशंस भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे काम भी नहीं करता। सही बात है, सही बात है। एक चीज इसके अंदर मेरे को याद आ रही है कि सर अपन जैसे एम्पियर्स लॉ के अंदर अपन इस प्रकार से लिखते हैं ना कि बी डॉट डी एल, यस, और इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, म्यू नॉट समेशन आई, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, यस। अब यहाँ पे जो आई होती है वो तो केवल अंदर वाली करंट होती है जो करंट ये इंक्लोज करता है, बट यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ये, ठीक है ना, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर वाली और बाहर वाली सभी धाराओं के कारण। बट यहाँ पे जो सिग्मा आई है इसके अंदर जो करंट होती है ये केवल और केवल अंदर वाली करंट है उसी को अपन काउंट करते हैं, ठीक बात है। तो ये भी एक अच्छा कांसेप्ट है, कई बार यहाँ पर भी क्या अब ये करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है मालूम ही नहीं होता, बिल्कुल सही बात, इसलिए अपन हर किसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन से एम्पीयर को लो यूज करते हुए अपन बी कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है। सही कह रहे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर अपन। यस सर, तो अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रही है और फिर उसके बाद डायग्राम आपको दिख ही रहा है,
तो आपको क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ विल बी। तो सर यहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं इसको दो तीन भागों के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। yes. सबसे पहले यहाँ से करंट आ रही है, इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट नंबर एक, इसको अपन बोलेंगे पार्ट नंबर दो, और फिर उसके पहले यहाँ पर ये अपने पास में देखा पार्ट नंबर तीन। यस। तो ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो तीनों पार्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, सदिशों के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बी ओ बराबर, पहले पार्ट के अपन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो पहला पार्ट अपना यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो अपने पास है सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4π d। इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4π d। डी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने इस प्रकार से, ये करंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अंदर की तरफ हो जाएगा। तो अंदर की तरफ होती है, इस डायरेक्शन को अपन किससे बता सकते हैं, क्रॉस से बना देंगे, क्रॉस। ये अपने पास है क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये टोटल कितना एंगल हो जाएगा अपने पास है 3π/2, बिल्कुल। यानी ये अपने पास में 3/4 हो गया। यस। ठीक है ना, तीन चौथाई पार्ट हो गया इसका। तो तीन चौथाई पार्ट का कितना होता है, ये तो अपने अभी भी डिस्कस किया है, बिल्कुल। इसको अपन प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है, ये करंट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वो इसका किधर की तरफ हो जाएगा, इस बार से अंदर की तरफ हो जाएगा। तो अंदर की तरफ इसको भी अपन किससे बना देंगे, क्रॉस से बना देंगे। और जो थर्ड पार्ट है ये तो इसकी एक्सिस पे हो गया। यस। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा अपने पास में, जीरो देगा। जीरो। तो फिर उसके बाद यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4π r इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा अपने पास में, बी बराबर, इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4π r। ये तो बाहर आ गया। yes. यहाँ पर ये तो कितना देगा अपने पास, वन हो जाएगा। और प्लस ये 4π r हो गया, तो इसको अपन ऊपर भी पाई से, नीचे भी अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास में कितना बन जाएगा, 3π/2 बन जाएगा। तो ये क्या यहाँ पे वन, वन। तो यहाँ पे वन, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन वो क्या बन जाएगी, क्रॉस बन जाएगी। यानी कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की अपने पास है डायरेक्शन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं सर। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास हो रही है, और फिर उसके बाद इसकी एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पर है, और जो r है वो कैपिटल r से बहुत बड़ा है, मतलब जो वेरी स्मॉल कॉइल अपन यहाँ पे ले सकते हैं। yes. मतलब इस प्रकार की बात हो गई, ये अपने पास कोई कॉइल है और इसकी रेडियस कितने देगी अपने पास r, इसके अंदर करंट कितने देगी i हो देगी, और इसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, ठीक है ना, यहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देगा, b इक्वल टू, इसको आप बोल सकते हैं म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन टू, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास है 3/2 हो गया। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने पास जो कैपिटल आर है वो बहुत बहुत छोटा है स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्क्वायर को अपन जीरो के वाले कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या देगा, इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट एन आई, ये अपने पास आर स्क्वायर अपॉन, ये अपने पास है टू, इसको अपन बोलेंगे एक्स क्यूब बोल देंगे, ठीक है ना, एक्स क्यूब आ गया सर। यस यस। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, ठीक है। और ये रिजल्ट बिल्कुल एकदम सिमिलर है किसके, कोई भी जैसे बार मैग्नेट की एक्सिस पर होता है। हाँ। और बेसिकली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी वही है। देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं एन आई, ऊपर भी अपन पाई से, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ऊपर भी 2π से, नीचे भी 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2π 4π बन जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π और एन आई ए, इसको अपन बोलेंगे 2m अपॉन क्या देगा अपने पास में, एक्स क्यूब। तो ये भी किसी भी बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, ठीक है। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे मतलब ये वाली जो कॉइल है इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना होता है, ये वाले डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक्स होगी। तो ये अगर इसकी एक्सिस होगी तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4π, इसको अपन क्या बोलेंगे, एम अपॉन एक्स क्यूब बोलेंगे, इसका हाफ। हाँ बिल्कुल, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये अपने पास में कौन सा आंसर आ जाएगा, आर क्यूब। तो फोर्थ ऑप्शन इसका चला जाएगा करेक्ट। यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, आर की बात है, कोई बात नहीं, फोर्थ ऑप्शन से टिक कर दो। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम विद 6.6 न्यूटन टू द पावर 15 साइकल्स पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज। तो यहाँ पे
हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। यस। तो अपन जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसको अपन किसके इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं? करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, ये अपने पास टू आर होता है। अपन जानते हैं कि आई इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में क्यू अपॉन टी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना देगा ई, और टाइम कितना देगा आपके पास है टी, और ई बाई टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वन बाई टी को अपन लिख देंगे एफ लिख देंगे। तो इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट ई एफ अपॉन, ये आपके पास में टू आर हो गया। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, 4π × 10⁻⁷ इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू एफ फ्रिक्वेंसी अपने को दे रही है 6.6 × 10⁻¹⁵, ठीक है। और फिर उसके बाद अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है टू, और आर की वैल्यू कितनी दे रही है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने पास है 10⁻⁻¹⁰ हो जाएगा। कैलकुलेशन है वो बच्चों आपको करनी है। यस। और कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या होता है, फ्लक्स होता है, और पर मीटर स्क्वायर तो फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स डेंसिटी, ये चीज होगी। तो ये भी आपके पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला भी बोल सकते हैं इसको अपन, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। सीजीशनिटीज की क्या होती है, गाउस होती है, और एक टेस्ला इक्वल टू कितना होता है 10⁴ गाउस होता है। ये बच्चों आपको मालूम होगा, बता रखा है मॉड्यूल के अंदर भी लिख रखा है, सब जगह लिखा होता है, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुख करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनंत लंबाई की सीधे तार से मैं आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है अनंत लंबे तार के लिए। अब देखो बी बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन टू फाई आर। अब इस अपन ऊपर भी टू से और नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन, ये आपके पास है 4π, और ऊपर हो जाएगा आपके पास टू आई अपॉन आर हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4π, इसके बाद है 2i/r। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर, ये क्या करें अभी। आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल पाई बाई टू एट द सेंटर, इट कैरीज अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर विल बी। तो सर यहाँ पे अपन जानते हैं कि टोटल जो लूप, पूरा जो लूप होता है वो 2π एंगल सबटेंड करता है। yes, yes. तो यहाँ पे पाई बाई टू कर रहा है, इसका मतलब ये अपने पास में एक चौथाई पार्ट होगा, 1/4 पार्ट होगा इसका। तो 1/4 के लिए बी बराबर कितना होता है आपके पास में, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो पूरे का होता है, तो 1/4 के लिए बाई टू कर 4 कर देंगे, तो ये अपने पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा करेक्ट। यस। तो वैसे बच्चे इसके लिए क्या वो याद रखते हैं फॉर्मूला अल्फा वाला, हाँ अल्फा वाला, हाँ वो भी काम लेते हैं। तो म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4π आर स्क्वायर, आर ही होता है। यस। अच्छा अच्छा, आर ही होता है। तो अल्फा की वैल्यू आप रखें रेडियन, अल्फा की वैल्यू 5/2 फुट। हाँ तो 5/2 फुट करते हैं, आंसर आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो बहुत आसान, बढ़िया है, बिल्कुल सर। क्या कह रहा है सर ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट a/2। तो a/2 तो इनसाइड पॉइंट हो गया, yes. और 2a इसका आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो अंदर वाला और बाहर वाला फॉर्मूला अपने को चाहिए होता है सॉल्यूशन करने के लिए। तो अपन देख सकते हैं कि आपके पास है जो बी इन है, तो बी इन बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई आर अपॉन, ये होता है सर कुछ ऐसा 2π r² होता है, ठीक है। अब आर की वैल्यू अपन कितनी पुट कर देंगे, आर स्क्वायर पुट कर दो चाहिए इसको, मतलब अपन ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होगी। तो चलो वो ही लिख देते हैं अपन। तो ये अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π a² हो गया। तो आर की वैल्यू अपन कितनी पुट कर देते हैं अंदर के लिए, a/2, तो a/2 पुट कर देंगे, ये अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई a/2, ये अपने पास क्या देगा 2, तो a/2 आ गया, और ये अपने पास क्या देगा 2π a². तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4π, ये आ गया सर, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं पी आउट बार का। तो बार के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π r होता है, और r की वैल्यू अपन कितने पुट कर देंगे, 2a पुट कर देंगे। तो सर ये तो बराबर ही आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4π a, तो दोनों बराबर आ गए। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसमें सर एक चीज मैं शेयर कर दूं आपसे, देखो बिल्कुल सर, जैसे आपने जो लिखा इसका पेन थोड़ा बदल लो मैं, अच्छा वो मिटा दिया क्या, नोट्स ले लेता कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, जैसे अपन लिखा था बी इन, वो हमारे पास था म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ठीक है, ठीक है, और बी आउट अपने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे आर जो हमारा है अभी इन पॉइंट के लिए है तो डेफिनेट है कि कैपिटल आर छोटा है, तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि आर इज इक्वल टू आर बाई एन, जैसे आर बाई टू आर बाई थ्री इस तरह से अपन इसको मान लें, बिल्कुल ठीक है, तो एन तो मैं एक से बड़ा आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरह से यहां मान लो इसको, अब ये तो आउटसाइड के लिए ये आर से बड़ा होगा, तो इसको अपन ऐसे मान लें कितना एन आर, तो अब देखो यदि इसको यहाँ आर बाई एन लिखता हूँ, आर बाई एन एक आर से आर कैंसिल हो गया, अब ये हमारे पास और म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर होता है बी सरफेस, तो बी सरफेस बाई एन हो गया, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इसको अपन लिख करके यहाँ पे टू पाई ये इसको एन आर अपन कर दें, तो ये भी आपका कितना आ गया बी सरफेस अपॉन एन आर, अब एक कॉमन चीज बन गई, और कॉमन चीज बनने से बच्चा अब इसमें क्या है कि कंफ्यूज नहीं रहेगा, और तुरंत क्वेश्चन आते ही इसमें बिना किसी पेन के आंसर दे पाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आर बाई टू, बिल्कुल, और यहाँ कर दिया मैंने कितना टू आर, मैं कर दूं इसको कितना आर बाई थ्री, मैं कर दूं इसको कितना थ्री आर, आर बाई फोर फोर आर, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हमेशा कैसे सेम आएंगे बी एस अपॉन एन, तो ये तो मैंने फिर भी निकालना है उसको, तो दो 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 फॉर्मूले बन गए ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, दूसरी बात रेशो निकाले तो नेट में क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप बिना माइंड के ओनली क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका क्लियर जाएगा, सही कह रहे हो सर आप बिल्कुल, तो मतलब आपका ये कहना है कि जैसे मतलब अगर एक्स से आर बाई टू डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हो तो बाई टू होता है सरफेस का, और आर बाई थ्री पे बाई थ्री होता है, आर बाई फोर पे बाई फोर होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए सर बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई, तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या कह रहे थे, सर्कुलर कॉइल ए हैज अ रेडियस आर एंड द करंट फ्लोइंग इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और अनदर सर्कुलर कॉइल बी है जिसकी रेडियस कितनी है टू आर है, करंट टू आई इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो आपको जैसे मतलब बी ए अपॉन बी बी अपने को कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है, ये तो सर बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, अपने पास बी इक्वल टू क्या होता है, आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन इसको अपन बोल रहे हैं टू आर बोलते हैं, तो यहाँ से अपने पास बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, अपने पास आई अपॉन आर हो गया, तो पहले के अंदर करंट आई रेडियस भी आर, तो आई अपॉन आर हो गया, दूसरे की करंट भी टू टाइम्स है टू आई होगी, तो रेडियस भी अपने पास है टू आर टू टाइम्स हो गया, तो फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है सेम रहेगा, तो बी अपॉन बी बी क्या रहेगा अपने पास में सेम रहेगा, तो फोर फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को भी आपने टू टाइम्स कर दिया, इसको रेडियस को भी आपने टू टाइम्स कर दिया, तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, ये कह रहा है कि करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिन वॉल्ड पाइप, देन मतलब अपने पास में ये क्या है कि एक थिन वॉल्ड पाइप है, तो फिर उसके बाद में अब मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करते हैं, ये तो एक प्रकार से होलो सिलेंडर टाइप में बन गया, सॉरी होलो सिलेंडर बन गया थिन वॉल, तो फिर उसके बाद में इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, तो ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पाइप इज द सेम बट नॉट जीरो, नॉट जीरो तो गलत हो गया, तो ठीक है, और फिर उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट जा रहा है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट जीरो ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप, नहीं इस पूरे पाइप के अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड वो कह रहे थे जीरो रहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द पाइप, डिफरेंट नहीं होता सेम होता, वो जीरो के बराबर होता है, तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा करेक्ट, बिल्कुल। तो चलो इसमें थोड़ी सी बात बच्चों के लिए अपन नीट के रिगार्डिंग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बात कर लें, हाँ बिल्कुल, तो ज्यादा अपने बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जैसे एक तो अपन बात करते हैं, मान लो अपने पास एक सॉलिड कम्प्लीटली एक सिलेंडर वायर है, ठीक है, और एक मान लिया अपन क्या थिन वॉल का यानी होलो सिलेंडर, और इसको अपन जोड़ दें किसी बैटरी से, ठीक है सर, और इसको भी जोड़ दिया अपन ने किसी बैटरी से, अब डी से अपन जानते हैं डी फ्लो करती है इसके होल क्रॉस सेक्शन एरिया से सिमिलरली फ्लो करती है, ठीक है, तो अगर इसका अपन ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो बच्चों को जैसे याद होता है ऐसे, तो अगर मैं इसको ऐसे गढ़ दूं यहां पे पहले तो होता है लीनियरली और फिर इस तरह से घटेगा मैग्नेटिक फील्ड बी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इसमें होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है, और कैसे होता है ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बिल्कुल, अब इसमें नेट चार्ज जीरो होता है, इसका मतलब ये है कि इस पे ओनली इसके इंक्लूडिंग एक्सिस, इंक्लूडिंग एक्सिस इसके सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है, और आउटसाइड की किताब का जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात अपन करेंगे
इसके एक्सिस पे और इनफिनिटी पे भी जीरो है, बाकी हर जगह ऐसा नॉन जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जहां जहां इसका मीडियम वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके एक्सिस पर भी तो होता है सर, है ना, तो एक्सिस को इंक्लूड करते हुए हर पॉइंट पे पर मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सिस में जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन जीरो होता है। और इस पे बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ आपको जैसे मालूम है किस तरह से ग्राफ बनाते हैं, पर यहाँ तो जीरो होता है। ये किस चीज का ग्राफ बना रहे हैं सर? ये अपन बना रहे मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक मैग्नेटिक बी वर्सेस आर, ये भी आपका ग्राफ है। सेंटर से अपन करें बी वर्सेस ठीक है आर, तो अंदर बी जीरो और बाहर आपका सरफेस से फिर इनफिनिटी तक आपका घटेगा, रिड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओनली दीवारों में है, सही बात है, अंदर नहीं है। तो इसमें अंदर पूरे में ई जीरो हो गया, ई ओनली इसकी वाल्स के अंदर हो गया और इसके आउट भी आपका जीरो। अब बच्चे आराम से क्वेश्चंस जितने भी इसकी संभावनाएं बनती हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, कि कोई भी आपके पास सॉलिड सॉलिड सिलेंडर इसकी एक्सिस पर ई बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, ई नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, मतलब कई सारे ऑप्शन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो बात का सार ये है कि कोई भी अपने पास में जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, बिल्कुल ठीक है, और इसके बाहर अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि कोई भी जो करंट कैरिंग वायर होता है वो ड्यूरिंग करंट फ्लो वो मतलब न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि इसके पास में कोई किसी प्रकार का चार्ज तो होता नहीं होता है नहीं। क्योंकि बैटरी क्या करती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डालती है उतने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेती है, तो थ्रू आउट द करंट फ्लो वो क्या करता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना लेता है। तो इस कारण से इसके आउटसाइड पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये क्या कह रहे हैं अपने को, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मैग्नेटिक फील्ड वो कितना बी है, तो फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बी इक्वल टू क्या होता है आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है आपके पास 2 पाई आर। तो अपन देख सकते हैं कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास आर। पहले डिस्टेंस कितनी थी, 5 थी, 5 से आपने कर दी 20, डिस्टेंस को आपने कर दिया 4 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1/4 टाइम्स, तो ऑप्शन आपका जाएगा बी बाई 4, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग, ये तो अपन कर चुके हैं सर, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन देखते हैं अपने समझ में आ गया। तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है आपके पास 2R होता है, और आई को अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने ईएफ लिखा था, आप एनई की बात कर सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये वायर है, ये इस प्रकार से यू घूम करके यू होकर के यू जा रहे हैं, तो इसको अपन दो चीजों से मिलकर के बना मान सकते हैं। एक तो ये अपने पास में जो वायर है वो हो गया, और एक अपने पास इस प्रकार से लूप बन गया। तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा अपने पास में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गया। यस, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा, तो बाहर की तरफ अपने बना देंगे डॉट बना देंगे, और फिर उसके बाद ये जो लूप है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी अपने बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन क्या देगा आपके पास में 2 आर हो गया, और ये भी अपने पास बाहर की तरफ, तो इसको भी अपन क्या करेंगे प्लस कर देंगे, अदरवाइज तो अपन माइनस करते हैं डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो फिर उसके बाद देख लो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ से 2 पाई आर को अपन कॉमन ले लेंगे, तो फिर उसके बाद अपना थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यस, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं सर इसके अंदर। ये कह रहा है कि वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप और वन टर्न कैरिंग, ये अच्छा कंसेप्ट है सर इसके अंदर। एक ही तार से पहले आपने एक फेरे वाली कुंडली बनाई, फिर उसके बाद इससे आपने दो फेरे वाली कुंडली बना दी, बिल्कुल करंट को आपने कांस्टेंट बांध दिया। तो चलिए सर इसके अंदर अपन देखते हैं, देखो जैसे अपन जानते हैं कि भाई पहले तो आपके पास एक फेरे की कुंडली थी, फिर उसके बाद आपने इस प्रकार से दो फेरे की कुंडली बना दी। यस, तो यहाँ पे एक चीज सेम है, क्या सेम है, इस तार की जो लंबाई है लेंथ है वो सेम रहती है, और लंबाई अगर अपन एक लूप की बात करते हैं तो कितना होता है आपके पास 2 पाई आर, और नंबर ऑफ लूप्स अगर अपन एन लेते हैं एन लूप की लेंथ कितनी रहेगी आपके पास एल इंटू एन, तो ये आपके पास एल हो गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास एन आर कांस्टेंट हो गया। यस, तो एन आर बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आ गया। अब अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपके पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R होता है, 2R, तो फिर उसके बाद में अपन लिख सकते हैं इसको बी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर हो गया, करंट तो सेम देखिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई एन, आर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 बाई एन, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा एन स्क्वायर देगा। अब यहाँ पे पहले आपके पास में एक टर्न था, फिर उसके बाद आपने दो टर्न्स कर दिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने 2 टाइम्स कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगा। यस, तो बी इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 4 बी, फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे। नीट में ऐसे क्वेश्चंस हाँ बिल्कुल, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन,
अगर आप इजी इजी चीजें आसान आसान चीजें पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप टफ क्वेश्चंस के चक्कर में पड़ गए, ठीक है ना, उल्टे सीधे क्वेश्चन अगर आप करने लग गए तो फिर उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में आप जो मतलब आपके नीट में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन पर आप फोकस कर ही नहीं रहे, और फालतू में आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और फालतू में फिजिक्स को बदनाम करते हो कि फिजिक्स टफ है। तो अरे भाई तेरे को फिजिक्स टफ फिजिक्स पढ़नी नहीं है, तो आसान फिजिक्स पढ़, यूएसएस सोल्व कर ले, सीएलसी का मॉड्यूल है वो सोल्व कर ले, तेरे को इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों का सर क्वेश्चन होता है, सर कौन सी गाइड लेके आए, सर कौन सी बुक पढ़े, ये मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का, स्पेशली इलेवंथ क्लास के जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो आते हैं इलेवंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास का बच्चा, वो सोचता है कि सर से पूछ लो मैं कौन सी बुक, और उस बुक से मैं मतलब पूरा का पूरा मेरा काम कर लूंगा। जबकि बुक कोई सी नहीं पढ़नी तेरे को, तेरे को नीट है उसकी तैयारी करनी है, तो तू यूएसएस पढ़ ले और तू पढ़ ले सीएलसी का मॉड्यूल और क्लासरूम नोट्स पढ़ ले, बस तीन के अलावा चौथी चीज तेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। अब तक के पेपर उठा के देख लो भाई, ठीक है ना, तब आपको क्वेश्चन यूएसएस सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बिल्कुल डायरेक्टली। यस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। ये अपने पास है क्या, अभी टू सिमिलर पॉइंट्स ऑफ रेडियस आर अलाइन कॉन्सेंट्रिकली विद देयर लेंस आर राइट एंगल, लेंस राइट एंगल है, एक में करंट कितनी आई है दूसरे में करंट कितनी 2i है, 2i रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंट्रल बिंदु। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, क्लास में भी करवाते हैं सब लोग इस प्रकार से। एक तो अपने पास है ये कोई लूप हो गया, और एक फिर उसके बाद इसके अंदर अपन इस प्रकार से ये लूप हो गया, तो ये अपने पास इस प्रकार से ये लूप हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर करंट अब कितनी आ जाएगी, आई हो जाएगी, और इसके अंदर करंट अब कितनी आ जाएगी, 2i हो जाएगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन, ये अपने पास 2r हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे 2 म्यू नॉट आई अपॉन क्या देगा आपके पास 2r हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर की तरफ आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना देगा 5, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट 2 5 म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट चला जाएगा, ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, क्लास में करवाते ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, जैसे मतलब सर मेरी तरफ कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से यू आ रहा है, अब यहाँ पे बात ही पॉजिटिव चार्ज मेरी तरफ आ रहा है तो करंट भी मेरी तरफ आ रही है, बिल्कुल, तो मैं मेरी जो राइट हैंड का जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखूंगा और फिंगर्स को इस प्रकार से यू घुमाऊंगा, तो इस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड है वो यू आ जाएगा, और मेरे रेस्पेक्ट में जो फिंगर्स है वो किस प्रकार से घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट वो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो मामला चेंज हो जाता, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आता तो करंट मेरे से दूर की तरफ जाता, और करंट अगर मेरे से दूर की तरफ जा रहा है तो फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता, ठीक है ना। और इसमें भी कंफ्यूजन से बचने के लिए बच्चे क्या करना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं भी आ गया अपन मूविंग चार्ज वहां फोर्स वगैरह पड़ेंगे तो वहां बच्चों क्या करना चाहिए कि उसको पहले प्लस मान लेना चाहिए, प्लस मान के उल्टा करता फिर उल्टा, हां बिल्कुल उसी से रहता है। मैं भी इसी तरीके से बताता हूं, एक बार प्लस मान लो भाई ये आपके पास वी हो गया, ये बी हो गया, फोर्स आना चाहिए इधर, बट ये इलेक्ट्रॉन है इस कारण से फोर्स उल्टा आ जाएगा, हर जगह फील्ड निकालना बिल्कुल फोर्स उसका पाथ निकालना सब में ही काम आपका आ जाता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको दे रखा है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए एक्स है, करंट और रेडियस को आपने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो ये तो अपन फॉर्मूला जानते ही हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड तो होता है बी, और मैग्नेटिक मोमेंट को एम से लिखते हैं सर अपन, यस, तो बी अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होता है आपके पास 2r होता है, यस, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो अपने पास एन आई ए, ए अपने पास है क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ इसको मैं, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो भाई करंट है वो क्या मतलब धारा और त्रिज्या दोनों को आप 2 टाइम्स कर रहे हो, ठीक है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे, डबल डबल, अच्छा धारा और त्रिज्या दोनों डबल की जा रहा है, हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप छेड़ नहीं रहे, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद है बी बाई एम डायरेक्टली प्रपोज्ड टू, ऊपर हो जाएगा आई और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा आपके पास आर क्यूब बनेगा, अब करंट को भी आपने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, और रेडियस को भी आपने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, तो 2 की पावर 3 तो 8 आ गया, तो 1 बाई 2 बाई 8 कितना देगा बाई 4, तो ये आपके पास x बाई 4 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग ए स्टेडी करंट
ये तो सर बहुत अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो बी इन होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और जो बी आउट होता है वो अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ये वाला तो ग्राफ बन जाएगा अपने पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और ये अपने पास बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अपन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये तो जो बीओ सॉर्ट्स हुआ उसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म इसको अपन जानते हैं कि डी बी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास म्यू नॉट अपॉन क्या होता है 4 pi, और फिर उसके बाद आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होता है आपके पास आर स्क्वायर होता है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको अपन ऐसे लिख देते हैं डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi, और फिर उसके बाद आई डी एल वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास आर केफ अपॉन क्या देगा आर स्क्वायर देगा। अब यदि इसको आप एक्सपेंड करोगे तो वापस वही स्थिति आ जाएगी, आर केफ की वैल्यू कितनी वन होती है, आपके आर केफ को अपन आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर अपन आर क्यूब बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, फोर्थ ऑप्शन ही अपना सारे का वेक्टर फॉर्म ही है। हां सारे वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर में है, तो इसका तो आर क्यूब ये आपको नीचे आर क्यूब रखना है इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, आपको ओपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको आप चार भागों में डिवाइड कर दो। पहला भाग हो गया ये आपके पास है, इसका सेकंड हो गया, इसको अपन थर्ड बोल देंगे और इसको अपन फोर्थ बोल देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ये तो इसकी एक्सिस पर आ गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जीरो। सेकेंड है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा अपने पास में, इसको अपन बोल देंगे म्यू नॉट करंट कितने अपने पास आई अपॉन 4 pi r 4, ये 4 आ जाएगा 4r1 आ जाएगा और ये अपने पास है सेमी सर्कल हो गया। हाँ आधा लूप हो गया तो 4 आ जाएगा नीचे 4r1 आ गया, और फिर उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा आपके पास में 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना देगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। तो इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4, ये आपके पास r2 आ गया। अब देखो ध्यान से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अंदर होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर होगा, इस कारण से इसको अपन माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4, फिर उसके बाद 1/r1 - 1/r2। तो सर आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा करेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ इसमें r1 लेस तो इसका वैल्यू बढ़ाएगा, तो इसका नेट फील्ड आपका डाउनवर्ड आ जाएगा, नेट फील्ड अपना अंदर की तरफ आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल। इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना देगा जीरो जीरो, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कितना देगा जीरो, और यहाँ से लेकर कि यहाँ तक अपने को निकालना है। अब ये अपने पास है म्यू नॉट आई अपॉन कितना देगा आपके पास है 4r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन कराते हैं तो बच्चे को लगता है कि कितना आसान क्वेश्चन है, बट नीट के अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर बच्चा सिली मिस्टेक करता है, ठीक है ना सर। एक बार जैसे मतलब क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे दिए मैंने कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है ना। मैंने बच्चों को पहले माहौल बना दिया थोड़ा सा कि मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे देखना। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो मैंने बोल दिया 1.6 × 10⁻¹⁹, और भी मैंने कई सारे ऑप्शन दे दिए। तो फिर उसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने कुछ बच्चों ने बोला सर ये 1.6 × 10⁻¹⁹ तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। मैंने कहा कैसे भाई, कहा कि सर ऐसा क्वेश्चन आपने मतलब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इतना इतना इजी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, आप पूछ ही नहीं सकते इतना आसान। तो कई बार बच्चों होता क्या है कि क्वेश्चन इतना आसान होता है कि अपन सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम अपने को सिंपल सोचना होता है, अपन थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, तो यार चलो कोई दूसरा ही होगा इसके अंदर, आवश्यकता से अधिक सोचना नहीं चाहिए, हां लिमिट तक ही बस, ठीक है। हल्के मूड में रहना चाहिए एग्जाम के दौरान, तो सही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं सर क्या कह रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स क्लोज टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अपन जानते ही हैं, जैसे मतलब ये अपना सीधा तार होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है इसके इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होती है सर्कल्स। तो इस प्रकार से मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, तो ये तो अपने पास में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से यू बन जाती है, और यहाँ पर अपना जो तार होता है वो इस प्रकार से यू होता है, ठीक है ना। ये होता है इस प्रकार से, बिल्कुल ये अपनी करंट हो गई, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, बिल्कुल ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी,
और ये अपने पास से करंट होगी। इसको अपन कहते हैं हिंदी में सेकेंडरी वृत्ताकार। हाँ, सेकेंडरी वृत्ताकार बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंसेंट्रिक सर्कुलर। और बी इसके पास तो ज्यादा होता है दूर जाने पे घटेगा, तो बी इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पकड़ता हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहीं पे एंड हो रही है। yes. तो ये कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से एग्जिट हो रही है, ये अपने को पता नहीं होता है। yes. तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है। इसी प्रकार से जैसे अपने पास कोई सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर इस प्रकार से यू करंट जा रही है, तो ये वाली जो फेस है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से निकलती है और इधर से इस प्रकार से घुसती है, तो ये तो नॉर्थ बन जाएगा, ये अपना साउथ बन जाएगा। बिल्कुल। तो करंट कैरिंग जो लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। yes, yes. इसी प्रकार से अपने जो सोलेनोइड होती है उसमें भी करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है घुसती है, तो एक नॉर्थ बन जाता है, एक साउथ बन जाता है। तो ये होता ना, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। बट टोरॉइड होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करती। तो कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक टोरॉइडल रिंग है, इसको रोलेंटिंग भी अपन बोल सकते हैं, इस टोरॉइड को अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने लटका दिया, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगी? कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। टॉर्क तो कब लगता है? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, एम बी साइन थीटा होता है, उसमें एम है ही नहीं, एम ही नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, ठीक है ना। हां, तो इसलिए इसे इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना? जीरो हो गया। बिल्कुल, स्टेट वेरिएबल। हां, इसका जीरो हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस इसका जीरो हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सर यहां पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज आर, और फिर उसके बाद में किस डिस्टेंस पर आपको यहाँ से मेरे को एक चीज याद आ रही है सर, कई बार जैसे मतलब बहुत कम डिस्टेंस होती है उसके लिए अपन इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर को अपन आगे जंप करवा देते हैं, तो फिर फॉर्मूला बन जाता है बी एक्स इज इक्वल टू बी नॉट इनटू 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ये बन जाता है। ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया, ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया, ये तो बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी डिस्टेंस कम हो ज्यादा हो कम हो, ये परसेंटेजेस 5 से कम है ज्यादा है सभी वैलिड है, हमेशा लागू होता है। तो बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स रेडी आर वन आर टू, करंट आई वन आई टू अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक में क्लॉकवाइज है, एक में क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप्स इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन अलोन एट द सेंटर, आर टू प्लस टू कितना हो जाएगा 2 आर वन, द वैल्यू ऑफ आई टू बाई आई वन। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई, इसके अंदर फॉर्मूला तो ये लगेगा म्यू नॉट आई अपन 2 आर ही लगना है, ठीक है ना। बट इसके अंदर मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो टफ है ये फिजिक्स की वजह से टफ नहीं है, ये लैंग्वेज की वजह से टफ है। लैंग्वेज है बच्चों, वो तो देखो आपको आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला पार्ट ही है। बिल्कुल, पहला पार्ट ही है, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर अच्छी शुरुआत होगी, सही बात, तो आधा काम मान लो कि अपना वेल बिगिन हाफ डन हो जाता है, ऐसा बोलते हैं वेल बिगिन हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम तो आपका वहीं पे फिनिश हो जाता है, और ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा मतलब तर्कसंगत बात है, एकदम प्रासंगिक बात है कि अच्छी शुरुआत अगर अपन ने कर दी, पेपर में भी देख लो आप, कई बार होता है जैसे मतलब अपना माइनर होता है पेपर अपन देते हैं, तो उस पेपर के अंदर अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे जाते हैं, फिर उसके बाद पूरा पेपर अपन फोड़ दिया जाते हैं। बिल्कुल, और कई बार अपन क्या करते हैं जैसे मतलब पेपर उसमें 4-5 क्वेश्चन अपने गलत हो गए, पूरा पेपर अपना खराब हो जाता है, उसको स्किप नहीं करना शुरू करा, छोड़े नहीं, सही बात, उलझ गए तो आपका माइंड है वो वहां, टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, गुस्सा आएगा, और फिर 5-7 मिनट किसी क्वेश्चन पे आप लगा दोगे, फिर आप ये सोचोगे यार इतनी मेहनत कर ली तो टिक तो करूंगा मैं। हाँ, और एक चीज और है सर, मैंने ऐसा देखा है कि दिमाग लगा करके अगर अपन तुक्का भी लगाते हैं उसके गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, सही, बिना सोचे समझ के आंख बंद करके तुक्का डाल दिया ना, उसके 25% चांस होते हैं सही होने के, 25% चांस सही होने के होते हैं, पर थोड़ा सा माइंड अगर आपने लगा दिया तो फिर उसके बाद 5% चांस उसके सही होने के होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये कह रहा है कि आर1 आर2 त्रिज्याओं की दो सेकेंडरी
मतलब आपके पास लूप है, ठीक है ना। तो आर टू इक्वल्स टू क्या आपके पास टू आर वन, तो एक तो अपने पास ये लूप हो जाएगा, एक अपने पास ये लूप हो जाएगा। इसकी रेडियस आर वन है, इसकी रेडियस आपके पास आर टू है, इसके अंदर करंट अब वो क्या देगी आपके पास आई वन, और इसके अंदर करंट अब वो क्या देगी आई टू देगी। तो यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा आपके पास है म्यू नॉट, इसको अपन बोलेंगे आई वन अपॉन, इसको अपन बोलेंगे टू, और ये आपके पास में क्या देगा आर वन। सही बात है सर? यस yes. और फिर उसके बाद में माइनस, ये आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू, फिर उसके बाद में आर टू, और आर टू का अपन वहां से क्या लिख सकते हैं टू आर वन, टू आर वन, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा फोर आर वन। यस बराबर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आधा माइनस पाओ पाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा अपने पास में, ये कह रहा है कि इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप्स इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन अलोन। अब आई वन अकेला कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, म्यू नॉट आई वन अपॉन कितना देगा आपके पास है टू आर वन, ठीक है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसका अकेले का हाफ होता है, तो इसको अपन क्या कर देंगे भाई, ये अपने पास है टू कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा सर, म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर उसके बाद में टू आर वन, और यहाँ से भी अपने पास में क्या देगा फोर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे टू टू, और फिर उसके बाद यहाँ से भी टू आर वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास आई वन आई वन, और फिर उसके बाद में माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास आई टू डिवाइडेड बाई टू टू, और इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास है आई वन बाई, ये अपने पास है टू आ गया। इसके बाद इसको अपन इधर लेंगे, तो आई वन माइनस आई वन बाई टू क्या देगा आई वन बाई टू, और बराबर क्या देगा आई टू बाई टू, टू से टू कट गया आई वन आई टू बराबर हो जाएंगे, तो दोनों का रेशियो कितना देगा अपने पास है वन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला केवल ये लग रहा है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है ना, बट लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी चेंज कर दी, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट इज बी वन, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर अनदर कॉइल ऑफ रेडियस टू आर कैरिंग सेम करंट आई इज बी टू रेशियो बी वन बी टू, ठीक है ना। तो बी वन बराबर कितना देगा आपके पास, बी वन बराबर सर्कुलर कॉइल है, रेडियस कितनी आर है और करंट कितनी आई है, तो कितना देगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन टू आर हो गया सर। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी टू बराबर क्या कर गए अनदर कॉइल रेडियस टू आर करंट सेम है, करंट सेम, तो ये अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन करंट सेम है रेडियस टू आर हो जाएगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे फोर आर कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास बी टू बराबर क्या देगा आपके पास बी वन डिवाइडेड बाई टू आ गया टू आर, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में क्या बोला जा रहा है अपने को b1 by b2 पूछा जा रहा है, तो b1 by b2 क्या देगा 2 2, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट चलेगा। चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। yes. इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो सर, कोई अपने पास है लंबा तार है, तीन भागों में डिवाइड कर देते इसको एक दो तीन में, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पार्ट का जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, ओनली क्या होगी इसका, तो कितना देगा पाई पाई टू आ गया, तो फिर उसके बाद बाई एट आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई एट आर। यस, बट ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा अपने को, डायरेक्शन डायरेक्शन पूछी जा रही है, तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अंदर की तरफ हो जाएगा, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ठीक है। कागज इसमें लैंग्वेज बस लोचा से आप पहले कह रहे थे समस्या ज्यादा आती है बच्चे के लैंग्वेज में, लैंग्वेज में आती है, ऐसा होता है कागज के तल में, कागज के तल के लंबवत लंबवत ऐसा ऑप्शन पहले हुआ जाते हैं लास्ट में आता है ये वाला, तो बच्चा उसी में उलझ करके वो सोटी कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनसे बचना पड़ेगा बच्चे, इनसे बचना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन भी अगर आपको करेक्ट लग जाए, आपने सॉल्व किया, पहला ऑप्शन भी अगर आपका सही हो गया, तो भी आप चारों ऑप्शन टिक करो, चारों ऑप्शन आप चेक करो, चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता है, और फोर्थ ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो फिर उसके बाद में अपन किया तो अपन ने सही है, सही है, एप्रोच अपनी बिल्कुल सही थी, बट फिर भी गलत, सिंसियरिटी नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, उसकी वजह से अपन ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें मिला करके एक अच्छा डॉक्टर बनाती है, एक अच्छे डॉक्टर के पास में जो जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो जो गुण होनी चाहिए, उसके जो करेक्टर की जो जो मतलब वैल्यूज होनी चाहिए, वो वैल्यू एक स्टूडेंट के पास में भी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38, मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो सर इसका मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब सीधा जीरो जीरो,
और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा मेरे पास में, म्यू नॉट आई अपॉन क्या रहेगा आपके पास में 4R, और इसका कितना रहेगा आपके पास में, ये तो सेमी इनफिनिट हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या रहेगा आपके पास में 4πr, और फिर उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा इस प्रकार से बाहर की तरफ, और इसका भी हो जाएगा बाहर की तरफ, दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ से अपने पास है बस म्यू नॉट आई अपॉन 4R और अपॉन 4πr, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 अपन देखते हैं क्या करे। तो ये तो ऐसे कह रहा है कि दो सीधे चालक तार है ए और बी सी और डी, और उनमें करंट है वो I1 I2 फ्लो कर रही है, यहाँ पे I1 I2 थोड़े छोटे बन गए हैं, ठीक है ना, ये I1 I2 लिखा बच्चों, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे मतलब ये टेक्निकल मिस्टेक्स होती है वो हो जाती है टाइपिंग के दौरान, तो इसमें यह है कि एक तो वायर अपने पास ये हो गया और एक वायर अपने पास इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर करंट जा रही है इस प्रकार से I1, और इसके अंदर करंट जा रही है इस प्रकार से I2, और फिर उसके बाद में ये तो अपने पास है ए ओ बी और ये सी ओ डी हो गया, और ए बी सी डी की लंबवत दिशा बिंदु ओ से ए दूरी पर, यानी मतलब जो पॉइंट है ना वो इस प्रकार से बाहर की तरफ यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर पॉइंट हो गया इसके सामने की तरफ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ, इसको अपन बोलेंगे बी वन, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ये अपने पास से मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा बी टू देगा, तो ये कितना देगा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई ए, और ये देगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई ए, दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर का रूट हो जाएगा, अपना थर्ड ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे स्लाइड में अच्छा है ना। इस क्वेश्चन में कई संभावना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट कहां पे मिलेगा, ठीक है, पॉइंट कहां इसमें कितने हो सकते हैं, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर अगर अपने बात करते हैं ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बना दी, तो इस पॉइंट की अपन बात करते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे एक्स कोमा क्या रहेगा आपके पास वाई, तो ये वाली डिस्टेंस तो कितना रहेगी वाई हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितना रहेगी एक्स हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा बाहर की तरफ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आई वन की कर्ण कितना देगा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एक्स वाई, वाई हो गया ना सर, अच्छा वाई डिस्टेंस वाई हो गया, बराबर क्या देगा आपके पास म्यू नॉट आई टू अपॉन 2π, ये अपने पास x हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं y बराबर, तो y बराबर क्या देगा i1 upon i2 into x, i1 upon i2 into क्या देगा x, तो ये आपके पास y बराबर क्या देगा mx, स्ट्रेट लाइन बन गई, yes। तो इस स्ट्रेट लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा, तो i1 upon i2 किसके बराबर जाएगा tan थीटा के बराबर, तो ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास i1 upon i2 देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एंगल है वो चाहे 60 है चाहे 300 है चाहे कोई भी एंगल है, दोनों के अंदर करंट तो अलग अलग होगी पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम रहेगा तो क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी ऑफ सर्कुलर कंडक्टर एबीसीडी ऑफ सेंटर ओ विद एंगल एओसी 60 डिग्री, बी1 बी2 आर द मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एट ओ ड्यू टू द करंट्स एंड ABC एंड ADC respectively B1 by B2 कितना देगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, तो बैटरी आप कहीं पर भी जोड़ दो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 आता है, तो इन दोनों का रेशियो कितना देगा आपके पास 1, तो ये किशोर सर अपने कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए हैं, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर बीओ शॉर्ट्स लो और एम्पियर सर्क्यूट लो इसका जो पोर्शन था वो आपने अच्छे से बिल्कुल एकदम इंजॉय किया होगा, आपने अच्छे से एंटरटेन किया होगा, और अपनी जो अगली गुरु नीति आएगी उसके अंदर अपन वो प्योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होगी, और जिसके अंदर सर अपन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड फोर्स ऑन करंट कंडक्टर वो अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और फिर उसके बाद में मैग्नेटिज्म की अलग से अपन गुरु नीति बनाएंगे। तो चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से बिल्कुल एकदम स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, और लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन स्टडी है उसको आप अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, सीएलसी की ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और जिसके लिए आप सीएलसी से संपर्क कर सकते हैं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर के आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते अगली गुरु नीति पे, ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू, जय श्री।